गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 52वीं एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 7वीं पुण्यतिथि साप्ताहिक समारोह के तहत बुधवार को भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता अरैल आश्रम प्रयागराज से पधारे स्वामी गोपाल दास महाराज ने कहा कि धर्म रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, आर्थिक लाभ और पर्यावरण की दृष्टि से गौ तथा गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन आवश्यक है। हमारे वैदिक ग्रंथों से लेकर पौराणिक ग्रंथों तक में गाय की महिमा गाई गई है। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम गोमाता के प्रति आस्था के प्रश्न के गर्भ से ही उपजा था। भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1967 में घोषणा की थी कि नवगठित सरकार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, बाबा राघवदास, स्वामी करपात्री जी, लाला हरदेव सहाय जैसे महापुरुषों के नेतृत्व में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध के लिए जन जागरण एवं आंदोलन चलाए गए थे। इस दौर में भी अहिंसा के पुजारी के इस देश में बड़ी संख्या में गोवंश की प्रतिदिन हत्या होती है। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। गोमूत्र, गोदूध, गोबर, गोघृत आदि के बिना पंचामृत एवं यज्ञ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गोमाता हमारी यज्ञ संस्कृति के प्रतीक हैं। ये हमारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की धुरी हैं। भारत का बोध वाक्य रहा, भारत देश से नाता है, गो हमारी माता है। ऐसे देश में गोवंश की हत्या महापाप है। गोधन की रक्षा का संकल्प देश की वर्तमान आवश्यकता है। गो सेवा विषय नहीं, हमारा अस्तित्व है। गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने कहा कि भारत में नई कृषि क्रांति का युग दस्तक दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाने का जो अभियान छेड़ रखा है, वह जीरो बजट कृषि योजना और गोवंश के संरक्षण संवर्धन से ही पूर्ण होगा। गोवंश की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गो सेवा आयोग का गठन करके गोवंश के संरक्षण के लिए 5000 से अधिक गो आश्रय स्थल का निर्माण कराया है। गो संरक्षण हेतु अपराधियों को जो गाय का व्यापार विदेशों तक करते थे, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनका मनोबल नीचे गिराया है। गो हत्या को जघन्य अपराध की श्रेणी में लाकर गाय को संरक्षण देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। जो सम्मान प्राचीन काल में गाय को मिलता है, आज वही सम्मान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में गो सेवा आयोग निरंतर कार्य कर रहा है। जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता जितना मानव पर उपकार नहीं कर सकते, उतना गौ माता अकेले कर सकती हैं। इसलिए ही हिंदू गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का हम एक साथ दर्शन करते हैं। गाय, गीता और गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। गीता की तरह ही गाय पूज्य है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गौ रुद्रों की माता गाय है। दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास जी महाराज ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ महाराज ने गोवध बंदी को आवश्यक मानते हुए कहा था कि गोरक्षा का प्रश्न मेरे लिए स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने कहा था कि यदि गाय नष्ट हो गई तो भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। गोरक्षा केवल कानून बनाने से नहीं होगी, इसके लिए समाज जनमानस को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक समाज गो संरक्षण के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक गोरक्षा संभव नहीं है। गोरक्षा के लिए गोरक्ष पीठ प्रारंभ से ही संकल्पित है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा कि जिस गौ को हम माता मानते हैं, कृषि प्रधान देश में हमारे आर्थिक संरचना की जो रीढ़ है, मंच पर महंत शिवनाथ, योगी कमलनाथ, योगी मिथिलेश नाथ महाराज, महंत गंगादास, महंत राम मिलन दास मौजूद रहे, उनको श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे पूज्य संत जन और विद्वत जन उनमें कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मंच पर विराजमान हो रहे हैं। हमारे अभिभावक तुल्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति उनको श्रद्धा सुमन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर कर आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। हमारे अयोध्या धाम से पधारे कथा तत्व विवेचक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, विद्या भास्कर, अरैल आश्रम प्रयाग से पधारे स्वामी गोपाल जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम से पधारे
लोकप्रिय संत महंत सुरेश दास जी महाराज, नैमिषारण्य से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी, श्री गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, देवीपाटन शक्तिपीठ। आज का यह विषय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित प्रातःकालीन सत्र की सभा जिस विषय पर आयोजित है वह विषय है भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के आदरणीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक माननीय भाई अतुल सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज के उद्बोधन के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए। भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म में गौ सेवा का अपना अलग महत्व है। आदिकाल में जब राजाओं के यहाँ धार्मिक शास्त्राएं उपहार में दी जाती थी तो उन गायों के सींगों में सोने के परतों तक मढ़े जाते थे। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि गायों में कामधेनु मैं ही हूँ। सनातन धर्म में गायों को देवता और माता के समान मानकर उनकी सेवा करने की परंपरा देखी जाती है। हम सभी का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस आयोग के सदस्य के रूप में रहे हैं तथा आयोग की स्थापना एवं शुद्धिकरण में उनका योगदान उल्लेखनीय है। परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न योजनाओं को लागू करके गो संरक्षण गो संवर्धन हेतु बड़े कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक गोवंश आश्रय स्थलों में 6,00,000 से अधिक गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित 595 गौशालाओं में लगभग 15,00,000 गोवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। पिछली सरकार के कार्यकाल में 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा 10 करोड़ की अनुदान राज गौशालाओं को प्रदान की गई, जबकि आज परम पूज्य महाराज जी की ही प्रेरणा से वर्तमान सरकार में 97 करोड़ से अधिक धनराशि पंजीकृत गौशालाओं को प्रदान की जा चुकी है। परम पूज्य महाराज जी के निर्देश से गौ संरक्षण हेतु कठोर कानून बना के अपराधों में रोक लगाई गई है, जिससे अपराधियों का मनोबल गिरा है और उनका अपराध करने की हिम्मत भी कम पड़ गई है। आयुर्वेद विभाग द्वारा चिकित्सीय परामर्श में पंचगव्य औषधियों को सम्मिलित किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश ऐसी व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य है। परम पूज्य महाराज जी के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में गोवंश की चिकित्सा 24 घंटे उपलब्ध है। अर्थव्यवस्था के योगदान के लिए गोबर से बनी मूर्तियां एवं अन्य सजावटी सामग्रियों के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा दिए जाने तथा चीन निर्मित मूर्तियों एवं अन्य उत्पादों को बहिष्कार किए करने के लिए आयोग जनमानस को तैयार करने के लिए प्रयासरत है। गाय के गोबर से मशीन द्वारा गोमय लट्ठे बनाए जा रहे हैं, जिन्हें शमशान के लकड़ी के स्थान पर प्रयोग में किया जा रहा है। माननीय परम पूज्य महाराज जी के निर्देशानुसार गो सेवा क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं कि पुरातन भारतीय संस्कृति में सनातन काल में जो पवित्र स्थान गो माता को था, वही स्थान वर्तमान समय में पुनः स्थापित हो सके, इसके लिए हम लोग सदैव संकल्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष जी के चरणों में यहाँ उपस्थित सभी संत गणों के चरणों में अपने मस्तक रखकर
प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय पूज्य महाराज। इसी संस्थान से, इसी पूज्य भूमि से संरक्षित होकर के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियां उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए आज जहां तक भाई अतुल सिंह पहुंचे हैं, वो उनकी राजनीतिक परवरिश का परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज के इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। गो सेवा से आज अनेक वर्षों से, जब से इसकी स्थापना हुई है महापुरुषों के द्वारा, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अत्यंत देश विदेश में भी इस गोरक्ष पीठ की ख्याति की धारा बराबर बहती चली आ रही है। हमारे इस पीठ के जिनका सदैव आशीर्वाद एवं सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्धे पूज्य अवेदनाथ जी महाराज जिनकी कृपा और करुणा भरी दृष्टि का हम लोगों ने देखा है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, जिन्होंने बराबर राम जन्मभूमि के लिए, गो रक्षा के लिए, गंगा रक्षा के लिए बराबर संघर्षशील गो माता के किस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर गो माता की हत्याएं बंद की जाएं, इनके कारखाने बंद किए जाएं, वो नित्य निरंतर इस पे विचार किया करते थे और उसके लिए संघर्षरत रहते थे। आज उसी कड़ी में पूज्य अवेदनाथ जी महाराज के संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए, जिनका 2000 से हमारा साथ रहा, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्य अवेदनाथ जी महाराज के संकल्पों को, उनके विचारों को निरंतर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर और विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। महाराज श्री के 4.5 साल से, जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला, शायद संतों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, संस्कृत के विद्यार्थियों ने और हमारे तीर्थों के पुरोहितों ने, तीर्थ के संतों ने ये कल्पना पहली सरकारों को देखते हुए नहीं की थी कि ऐसा यशस्वी मंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच का गोरक्षनाथ पीठ से अपने गुरुदेव के विचारों को उत्तर प्रदेश में बहाएगा। आज हमारे तीर्थों की सड़कें, हमारे तीर्थों का विकास, हमारे तीर्थों के मठ मंदिर और तीर्थों, हर तीर्थ के अंदर गौशाला, गौओं का संरक्षण जो उन्होंने 4.5 साल में अद्भुत एक कायाकल्प उत्तर प्रदेश का किया है, वो इस वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है और वो अत्यंत सराहनीय विषय है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति।
दो बार जयकारा उच्चल स्वर से लगा दो। पूज्य अवेदनाथ जी महाराज की, पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज की, योगी जी महाराज की, धर्म की अधर्म का। मैं प्रार्थना करता हूं अत्यंत उद्भट विद्वान, बड़े ही शानदार और ओजस्वी वक्ता, अयोध्या धाम के उस गौरवमयी मनीषा का साक्षात प्रतिनिधित्व करते हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं इस सदन को अपना आशीर्वाद देने के लिए। स्वामी जी, गोप शब्द अपने में ही परिपूर्ण है, गो शब्द अपने में ही परिपूर्ण है, गौ के अंदर सब कुछ है, गाय ही मेरा अस्तित्व है, गाय ही मेरा जीवन है, और गाय ही मेरी सुषुम्ना नाड़ी है, और गाय ही मेरी जीवन नाड़ी है। इसका प्रमाण है कि हम गाय बनकर जाने वाली ब्रह्मा जी के यहाँ प्रार्थना करने के लिए जब पृथ्वी पापियों अत्याचारियों के पाप और अत्याचार से त्रस्त होती है तो वो भैंस बनकर, बकरी बनकर, बकरी तो सबसे निरीह छोटा, लेकिन बकरी बनकर नहीं जाती, भैंस बनकर नहीं जाती, हाथी बनकर भी नहीं जाती, सिंहिनी बनकर भी, हथिनी बनकर भी नहीं जाती और सिंहिनी बनकर भी नहीं जाती। क्या बनकर के जाती है ब्रह्मा जी के यहाँ प्रार्थना करने के लिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना ब्रह्माणम शरणम ययौ। संयोग से हमारे बगल में गोपाल जी महाराज बैठे हुए हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि मैं चूंकि अध्ययन किया हूँ प्रयाग में ही, इसलिए वो गौ शब्द की शक्ति वो हमारे पास माइक्रोवेव सिस्टम से मेंटली क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सच पूछो, ये गाय बन करके जब पृथ्वी जाती है, पृथ्वी भागने भी लगी जब महाराज प्रथु ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया पृथ्वी पर प्रहार करने के लिए, तो गाय बन करके पृथ्वी भागने लगी। महाराज प्रथु से कहा, आप गोहत्या करने जा रहे हैं? बोले, गायो विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की माँ है और माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। बोले, दूध क्या, ये बच्चे हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, यज्ञ नहीं हो रहा है, दान नहीं, राजा वेन ने यज्ञ दान सब कुछ नष्ट कर दिया था, न रोक दिया था, नष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजाह क्वचित, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई दान नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कैसी भी गाय हो, किसी भी प्रकार की गाय हो, बूढ़ी हो, जवान हो, बछिया हो, कैसी भी हो, उसका मूत्र लाभदायक होता है, उसमें विष नहीं होता, उसमें विष को दूर करने की शक्ति होती है। गोमूत्रेर नरमूत्रेर वा विषम कुर्यात् चिकित्सितम्, आयुर्वेद शास्त्र में इसका वर्णन किया है, गोमूत्र के द्वारा विष की चिकित्सा की जाती। इतना ही नहीं, अगर कोई विषैली चीज आप गाय को खिलाते हैं तो गाय कूंच कूंच करके खाती है, और जब खाती है तो वो अंश जो है वो पेट में उसके जाता है, लेकिन उसका विष जो है वो अपने गले में ही एक फिल्टर भगवान ने उसके फिट कर दिया है, वो ऐसा फिल्टर है जो विष को वहीं पर रोक देता है। इसका प्रयोग किया गया गाय को कुछ विष मिश्रित विषैली चीज़ों को खिला करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो देखा गया महीने भर में उस गाय के गले में नीले नीले रंग की एक रेखा पड़ गई, नीलकंठ बन गई वह गाय, और उसके दूध में, उसके मूत्र में वो विष नहीं पहुंच पाया। ये है गाय की शक्ति। और इस गाय को अगर हम नहीं समझ पाए तो हम भारतीय संस्कृति क्या समझ पाएंगे? आज भारतीय संस्कृति को हमें समझने के लिए गाय को समझना जरूरी है। गाय को समझने के, भारतीय संस्कृति बिना गाय के समझी ही नहीं जा सकती है।
गाय की सेवा करना ही वस्तुतः हिंदू का स्वभाव है। ओम शांति शांति शांति। एक अत्यंत वरिष्ठ संत प्रयागराज से पधारे, अरैल आश्रम से पधारे, स्वामी गोपाल जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस सदन को आशीर्वाद देने के लिए। पूज्य महाराज श्री संघ बड़ा अच्छे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे आचार्य जी बैठे हैं उनके सामने वर्णन कर रहा हूँ। एक बार महाराज विश्वामित्र वशिष्ठ जी का आश्रम पर गए, कह रहे हमारे यहाँ आदित्य हो जाए महाराज, इतनी बड़ी सेना हमारी, इतने लोग काज खिलाओगे आप? कह नहीं आप मारे मान ले, मान गए। उनको जो गाय नंदिनी गाय थी उससे प्रण माँ अजी जाए व्यवस्था करो, माने स्वर्ग के देव दुर्लभ हंकार भरी और अन आ गए। सबने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद कहा ये आया कहाँ से, पता लगाओ ये आया कहाँ से, इतनी जल्दी ने कढ़ाई चढ़ी, न घी महका, न कुछ बना, ये बन कैसे गया यार? तो लोगों ने बताया महाराज महाराज जी गाय है नंदिनी, उसका कारण उसकी महिमा है सबला। वो तुम्हारे विश्वामित्र आए गए सब कुछ, हमको गाय दे दो। क्या महाराज गाय नहीं दे सकता, सब कुछ दे दो गाय नहीं दे सकता। तो उनको आपका नहीं, हम नहीं है। अंधे मुर्मा युद्ध किया उन्होंने और युद्ध में हार के भाग गए। उन्होंने कहा दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक ही ब्रह्मंदन लेन सर्वास्त्राणी हताणी में सारे मेरे शस्त्र बेकार हो गए तमाम। उसके बाद विश्वास ने 12 साल प्रयत्न किया, एटॉमिक बॉम्ब जितने हो सकते हैं एटॉम बॉम्ब सब बन विश्वास, फिर पुनः कुछ हुआ नहीं। तो गाय में वो शक्ति है, महत्ता है जो सबसे मुक्त करती है। आज भी हम रिसर्च में अपने पास ले सकते हैं, तो जीवन में तमाम ऊर्जा गाय के सिर हम लोग मिली है और सेवा करें सब कुछ जो इच्छा करी है वो मन माही प्रभु प्रसाद दुर्लभ का सुनाई, सब कुछ गाय से मिलता है। ये गाय की केवल संचय बने, लेकिन हम लोग भूल गए हैं गाय को, भूल गए गाय का कहाँ प्रयोग करते हैं, गाय दूध कहाँ प्रयोग करते हैं। तमाम मॉडर्निटी में आकर सब गाय भूल गए। पहले हम 50 वर्ष पहले हर ब्राह्मण घर गाय पलती थी, हर ब्राह्मण घर गाय रहती थी दूध पीते, अब कहीं पर गाय का नाम ही नहीं है। अब वो दूध आता है फैक्ट्री का, मिला हुआ दूध आता है, गो दूध कहीं मिलता ही नहीं। तो अगर हमें अपने को भारतीय संस्कृति को जीवन को बचाना है तो वह गो दूध पीने का संकल्प, केवल केवल गो दूध लेंगे हम सब कुछ अपने आप आ जाए, नहीं तो फिर ये तमाम आम घूमते रहेंगे। लंबा वर्णन है, साथ वर्णन है, इनके खिलाने से मन ठीक होगा, हम ठीक होंगे और जो जाए इतनी जल्दी आए ले सकते हैं। मॉडर्न साइंस में कहीं भी आधुनिक जीवन कोई भी विधि आयु और स्वास्थ्य बढ़ाने की नहीं है। हमारे भाई आयुर्वेद में हमारे प्राण में गोपालन की है, अगर हम गोपालन करें तो हमारी आयु बढ़ सकती है, आयु वृद्धि दोनों बढ़ सकती है और हम स्वयं सफल हो सकते हैं। इसलिए हम और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो धर्म के प्रणेता हैं, उनसे हम आग्रह कराएंगे सरकार से हम ऐसे प्रयोग करें जिसे दिखाएं किन प्रयोगों से गाय दूध ठीक हो सकता है। तो एक बड़ी नया युग प्रारंभ होगा, गो युग प्रारंभ हो, योगी के मार्ग नया युग प्रारंभ हो, गो एक देश भर में उत्तर प्रदेश एक आदर्श प्रदेश है जहाँ गो पालन से ही उत्तर प्रदेश बन सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ अपने गुरुजनों का, सूरजदास जी का, शंकराचार्य जी का, जिनकी कृपा से सब जाकी कृपा लबले सते मजमन्न तुलसी दास हूँ वायो परम विश्राम राम समान प्रपनाई हूँ कृपा मात्र से होता है। इसलिए हम उस जिस ये पीठ की कृपा है, सिद्धों कृपा है, परंपरा कृपा है, हम केवल गुरुजनों से जुड़ते रहें, प्रणाम करते रहें, सब कुछ उनके चरणों में मिलेगा। जो कुछ भी है थोड़ी भी जो कृपा है चाहे लबलेश कृपा मिल जाएगी मुक्त हो जाएंगे, हम वाप मिलकर लबलेश कृपा प्राप्त करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिरेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय क्यों बुलाया जाता है? अगर हम जय ना बुलाएं तो क्या हानि है? देखो, हम महापुरुष का और भगवान का जय इसलिए बुलाते हैं, भगवान का तो जय है ही। भगवान के जय इसलिए बुलाते हैं कि भगवान के जय बुलाएंगे तो भगवान मेरा भी जय करेंगे। इसलिए जो जहां है जय जरूर बोलेंगे। श्री राम कृष्ण भूमि की, श्री राम कृष्ण भूमि की। अरे भूल तो गए। श्री राम कृष्ण भूमि की, श्री राम जन्म भूमि की, जन्म स्थान की, श्री दिग्विजयनाथ जी की, श्री दिग्विजयनाथ जी की, श्री आदित्यनाथ जी की, श्री आदित्यनाथ जी की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। अब मैं प्रोफेसर यूपी सिंह साहब को सादर आमंत्रित करता हूं अपने आदरणीय अभिभावक को इस सदन पर अपना वक्तव्य देने के लिए, अपना आशीर्वचन देने के लिए। ये विषय है भारतीय संस्कृति में गो सेवा। बंधुओं, एक शब्द है पंचगव्य, जिसमें गाय का मूत्र, गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय की दही और गाय का घी, पांच मिलकर के पंचगव्य बनते हैं। इन पांचों में अद्भुत औषधीय शक्ति है। वैज्ञानिकों ने शोध किया और शोध करने के पाया कि इन पांचों तत्वों में, गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में, गाय के दूध में, गाय की दही में और गाय के घी में अद्भुत औषधीय शक्ति है। यह न केवल हमारे शरीर को पौष्टिक बनाता है बल्कि हमारे मन को भी परिष्कृत करता है। तो गाय तो एक ऐसा हमारी माँ है, गाय को अपनी माँ कहते हैं, इसीलिए हमारी एक सांस्कृतिक पहचान गाय है। हम गाय की पूजा करते हैं। अब शब्द यह है गो सेवा के बाद गो पूजा एक हमारे जीवन का एक लक्ष्य बनना चाहिए। बंधुओं, जब बच्चा पैदा होता है, हम लोग तो किसी नर्सिंग होम में नहीं पैदा हुए, आज के बच्चे नर्सिंग होम में पैदा होते हैं, लेकिन जब हम लोगों के टाइम में बच्चे पैदा होते थे तो एक घर में, एक मकान में एक कमरा था, शौरी का गृह, उसको गोबर से लीप पोत दिया जाता था। बच्चा के आने के पहले उसको गोबर से लीप पोत दिया जाता था क्योंकि उसमें पर्यावरण की शुद्धि होती थी और नार काटते वक्त इन्फेक्शन से बचा होता था क्योंकि वह पर्यावरण की शुद्धि की ना थी। बच्चा जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद सबसे पहले उसके माँ के दूध के बाद गाय का दूध दिया जाता है। जब माँ के दूध से उसका पेट नहीं भरता है या माँ का दूध कम हो जाता है तो उसे गाय का दूध दिया जाता है। आगे चल करके गाय हमारे जो आर्थिक विकास का संसाधन बनती है और अंत में लोग कहते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद भी लोग गोदान करते हैं ताकि गाय की पूंछ को पकड़ करके आदमी बैतरणी पार कर सके। तो एक तो ऐसी माँ है जो जन्म के पहले से लेकर के मृत्यु के बाद तक अपने संतान की रक्षा करती है। बंधु, गोरक्षपीठ में एक अद्भुत यहाँ गोरक्षा के बारे में एक प्रयास है।
आप लोग यहां हैं, परिश्रम गए होंगे, यहां का गौशाला देखे होंगे आप, और गाय हैं देसी मूल की गायें, और महाराज जी को तो यह अपनी बात उनका वात्सल्य, जब महाराज जी आते जाते हैं तो उनका वात्सल्य, गौ माता का वात्सल्य आपको देखने को मिलता है, कभी आप उसका दर्शन करें। दो तीन उदाहरण हैं, केवल गाय ही नहीं महाराज जी, तो केवल गाय ही नहीं पूज्य महाराज जी जो हैं, केवल गाय ही नहीं बल्कि गो वंश की सेवा उनकी रक्षा का व्रत उन्होंने ले रखा है। 1995-96 की घटना है, एक मालगाड़ी में भर करके कुछ बछड़े जा रहे थे, बंगाल की तरफ जा रहे थे, और शायद बंगाल से बांग्लादेश में उनको ले जाकर के काटने की योजना थी, गोरखपुर से पास किया हुई। जब गाड़ी बस्ती या खरीदाबाद से आगे बढ़ी, मालगाड़ी थी, तो मंदिर में महाराज को जानकारी मिल गई, कुछ बछड़े जा रहे हैं, स्टेशन पर गए, सबको उतार दिया, सारे बछड़ों को हटाया। वो जो उनका मालिक था वो गिड़गिड़ाता रहा, धमकी देता रहा, का कुछ नहीं, ये कटेंगे नहीं, ये बछड़े कटेंगे नहीं, उनको मंदिर के परिसर में ले आए, लोगों को बांट दिया, जाओ उनकी रक्षा करो, उनकी सेवा करो, कोई मुकदमा होगा तो हम निपटेंगे, कुछ नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, ये महाराज जी सांसद बनने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले जब सांसद थे, तो वो हर रोज सुबह उठ करके वे परिसर में टहलते हैं, अभी टहलते हैं, उसमें भी टहलते थे, जाड़ों का वक्त था, एक दिन सवेरे वो टहल रहे थे, गायें चल रही थी, गायें परिसर में चल रही थी, काफी जगह परिसर में है गायों को चढ़ने के लिए, उनको सुविधा काफी भी है, वो चढ़ती रहती हैं। उसमें एक कहीं से गेट खुल गया था, कहीं से एक बाहरी सांड घुस गया, और जो बताते हैं कि महाराज जी की तरफ से बहुत क्रोधित होकर के उनकी तरफ वो दौड़ा, महाराज जी के मुंह से इतने डरे, कोई है संजोग बस कोई नहीं था, लेकिन गायें थीं, माता जी थीं, माताएं थीं, सब भाग करके आई, इनको घेर लिया, काटन कर लिया, और फिर उन्होंने ही उस बाहरी सांड को मार के भगा दिया। यह है महाराज जी का गायों के प्रति, गायों की सेवा के प्रति, गायों की रक्षा के प्रति, गायों के पूजा के प्रति उनका हुआ है। एक और उदाहरण मैं देता हूं उनका, एक बार एक गाय प्रसव करते समय वो उसका देहांत हो गया, गाय का निधन हो गया, उसका बछड़ा था, बछड़े के दूध कैसे मिले, बछड़ा जब पैदा होता है तो भोजन तक माँ के दूध पर चलता है, बच्चे भी माँ के दूध पर चलते हैं, उसकी माँ मर चुकी थी, उस समय एक और गाय ब्याई थी, अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, महाराज जी ने कहा अपने नहीं इसको भी दूध पिलाओ, इसको भी पिलाओ, और उसने पिलाना शुरू कर दिया, तो दोनों बछड़ों को, अपने बछड़े को और उस बछड़े के जिसकी मां नहीं थी, दोनों को दूध पिलाया। महाराज जी ने कहा इसका दूध दुहा नहीं जाएगा, केवल दोनों बछड़े पिएंगे, यह है उनका स्नेह। बंधु संघ में, आरएसएस की बात में करता हूं, राष्ट्रीय शिक्षक संघ में करता हूं, एक वरिष्ठ प्रचारक हैं, उनका नाम है शंकर लाल जी, वहां पर गो सेवा या गो रक्षा एक गतिविधि है, कई गतिविधियां हैं, गो रक्षा, परिवार प्रबोधन, धर्म जागरण, ये सब गतिविधियां माने जाती हैं वहां पर। तो उनका वह अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं उस गो रक्षा या गो सेवा के विषय में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक में उन्होंने गाय के जो पंचगव्य मैंने बताया आपको, गाय के गोबर, गाय के मूत्र, गाय के दूध, गाय की दही और गाय के घी में होने वाले कई, इसे बनने वाले कई औषधियों को बनाया है, और कहा ये कई रोगों के उपचार हैं, कई ऐसे रोग हैं, असाध्य रोग हैं जिनका उपचार इनके माध्यम से, पंचगव्य के माध्यम से किया जा सकता है। तो वो पुस्तक आप अवश्य कहीं मिले तो अवश्य पढ़ें आप। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने, हमारे संतों महात्माओं का आज हमें आशीर्वाद मिला,
उनकी उपस्थिति उनके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं सबको धन्यवाद देते हुए